हो तो चुका अंधेरा, किंतु मैं दूसरे कंपैरिजन्स के वीडियोस शूट कर रहा था, समय की कमी रहती है, तो मैंने सोचा छोटा सा वीडियो और शूट कर लेते हैं। दो आज हमारे पास पॉकेट रेडियोज़ हैं, डायफील्ड का पॉकेट रेडियो और एक्सेस डेटा का नया D220, इन दोनों के आज हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं इनका। कुछ चीज़ें इनको बिना चलाए भी आपका निर्णय स्पष्ट करवा सकती हैं, कौन से का कलर अच्छा लगे, इसमें दूसरे कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे आपको, या फिर कौन से का आपको शेप लुक अच्छा लग रहा है, हो सकता है आपको बड़ा कैरी स्ट्रैप अच्छा लगता हो, छोटे वाला कैरी स्ट्रैप अच्छा ना लगता हो, ये गिरते समय देरी नहीं लगाते हैं। हो सकता है इन दोनों में से किसी एक का छोटा एंटेना आपको पसंद ना आए, या हो सकता है प्राइस आपके लिए मैटर करे, जो कि इसका कुछ 1100 है और इसका ऊपर नीचे होता रहता है, किंतु 700 800 800 में तो मिल ही जाता होगा। और भाई साहब, अगर मैटर आपके लिए करता है साउंड, अगर साउंड मैटर करता है, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम डायफील्ड पर। भगवान ने काफी इसको खूबियां दी हैं, तो हर पीढ़ी में जो लगभग इसके 20 दिन में 15 दिन में पूरी हो जाती है, 15 दिन में। ओके जी, और अब हम सुन लेते हैं एक्सेस डेटा का साउंड। आते आते ये सितंबर तक इसकी संख्या बहुत हो जाती है, जैसे एक एक पत्ते पे दो दो तीन तीन सौ सफेद मक्खी हो जाती है, तो बहुत ज्यादा। आपको कौन सा पसंद आया है आप बताइएगा, मुझे जो हैं वो दोनों साउंड जो हैं लगभग लगभग जो हैं इक्वल से लगे हैं। इसमें ट्यूनिंग इंडिकेटर है, कोई स्टेशन पकड़ लेगा तो वो दिखाएगा आपको, और इसमें पावर इंडिकेटर है, पावर ऑन होते ही वो LED ऑन रहेगा। अब अगर रिसेप्शन आपका क्राइटेरिया है, तो चलिए FM बैंड पर ट्यून कर देता हूँ मैं। जितना मेरा अंदाज़ा है, ये डायफील्ड एक DSP रेडियो हो सकता है, संभवतः है, मैंने कभी इतना ध्यान से बारीकी से नोटिस नहीं किया, किंतु एक्सेस डेटा डेफिनेटली एक DSP बेस्ड रेडियो है। एनीवे, दोनों में हम एवरेज स्पीड से आगे बढ़ेंगे। FM बैंड है। That was big dogs. I had the good fortune of talking. रक्षित भविष्य की जिम्मेदारी। I want it all at an affordable price. बहुत धन्यवाद संपूर्ण जी मुझे बुलाने का। ओके. फटाफट मैंने ट्यून कर डाला, अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है, किंतु रिसेप्शन मुझे इसका अच्छा लगा। ओके जी, ये पीछे क्यों रहे फिर? ग्लो तो मस्त करता है ये। 92 तक आ गया, आप थोड़ा स्लो जाता हूँ। बहुत धीमा चलना पड़ रहा है। आप आगे बढ़ें, फिर पीछे आएं, फिर आगे बढ़ें, फिर पीछे जाएं। चित्तीदार जो सुंडी है इसको जो है ये थी FM बैंड पर ट्यूनिंग, और आपको कैसा लगा वो आप देखिए। मुझे थोड़ा सा जो है ये कमज़ोर लगा है, जाहिर सी बात है एंटेना भी इसका छोटा है, और अब क्यों ना ट्यून कर लें जाते जाते AM बैंड को। गरीबों को PM आवास।
अशोक क्लोनिंग आदि पर भी ध्यान दिया। रोजगार के अवसर पैदा होंगे, रैलियों और मैराथन जैसे। ओके जी, ये थी फास्ट वाली ट्यूनिंग, जगह जगह स्टेशन जिसने पकड़ लिए हैं क्योंकि अंधेरा बहुत चुला चला है, मीडियम वेव का रिसेप्शन अच्छा हो चुका है। वेव पर देखते हैं कैसा है ये। काला काला रेडियो अंधेरे में भी लाल लाल बत्ती से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है, और आप भी अंधेरे में बने कंपैरिजन वीडियोस के साथ चिपके रहकर रेडियो से अपने प्रेम और रेडियो से के बराबर इस चैनल से अपने प्रेम की उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद है साथियों। आगे बढ़ते हैं। ये जो संगीत की विधा आपके आगे चल रही है, हरियाणवी लोक संगीत है, रागनी कहते हैं इसको, मेरी जान है ये। स्वतंत्रता दिवस के अवसर ऑलराइट, सो स्टेशंस जब हम गिनते रहते थे उसके बजाय हम अब एक संपूर्ण टाइप सा कंपैरिजन करने लगे हैं, और मीडियम वेव पर 19-20 का कुछ अंतर हो सकता है, बराबर किसी बात लगी है मुझे। सो अब अंधेरे में बताए गए इन सभी पहलुओं के साथ आप किस दिशा में मुड़ेंगे, ये छोड़ा मैंने आप पर। नमस्कार।